अमित माझी, अमित माझी, अमित माझी। जम्मू अमित माझी, सो उन्होंने उनसे हम मिल लिए हैं, उनसे शाउट आउट ले लिया है। ब्लॉग में डालेंगे, अभी हवा बहुत चल रही है, अंदर चलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू जेटी व्लॉग्स। तो आज है डे 25। तो हम अभी हैं खांगरा में और रात को हमने यहाँ पे टेंट लगा लिया था पुलिस चौकी के पास इनसे परमिशन लेके। एंड आज का हमारा कुछ प्लान है कि यहाँ से ट्रक पकड़ेंगे और सीधा ले जाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं, पहले टेंट बंद कर लें। सो गाइस, अभी 9:15 हो चुके हैं और पैकिंग में 1.25 घंटा तो लग ही जाता है, आधा 1.5 घंटा लग जाता है आराम से। सो अभी हम दोबारा उसी शॉप पे आ चुके हैं, सामने चाय वगैरह पी के फिर लिफ्ट मांगनी शुरू करते हैं ले के लिए। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट इज चाय एंड इसको भी कचौरी बोलते हैं, कचौरी। और कचौरी के अंदर स्टफिंग नहीं है, बस ये ऊपर से चल रहा है। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं खांगरा विलेज से और ये सड़क जाती है सीधा लेह की तरफ। और अभी वेट कर रहे हैं, कोई ट्रक वगैरह आया, गाड़ी गुड़ी आए, उससे लिफ्ट मांग के ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने टाइम में लिफ्ट मिलती है। अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 9:30, और 9:30 मतलब कि अगर 160 किलोमीटर है और ट्रक में लिफ्ट मिलती है तो शायद हम 4 बजे तक 5 बजे तक पहुँच जानी चाहिए लेह। लेट्स गो, चलते हैं और वेट करते हैं किसी ट्रक की या किसी कार की। सो गाइस, हमें हमारी पहली लिफ्ट मिल चुकी है लेह के लिए और सीधे लिफ्ट ही मिल चुकी है लेह के लिए। भैया हैं जम्मू से, भैया थोड़ा नाम की है की बोला मार्शल, भाई का नाम है मार्शल, भाई है ने जम्मू तो। सो हम अभी जा रहे हैं सीधा लेह की तरफ और रास्ते में व्यूज आएंगे ऐसे, वो भी आपको दिखाएंगे सारे के सारे। एंड लेह पहुँच जाएंगे हम शायद चार पाँच घंटे लगेंगे भाजी, 4-5 घंटे में हम लेह पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30-10:30, तो अपने आप हिसाब लगा लो। तो जो भी रास्ते में आएगा सब दिखाते हैं। चलिए चलते हैं लेह की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, अभी रास्ते में रुके हैं, भैया को कुछ खाना था तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ रास्ते में। और अभी अभी हमने ले जो डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर करी है, यहाँ पीछे बोर्ड लगा हुआ था ले एंटर का। एंड यहाँ से अभी जो ले है वो है 145 या 150 किलोमीटर के आसपास। तो अभी देखते हैं, कुछ खाने का दिल करेगा वैसे नीचे उतर के देखते हैं, भूख नहीं है अभी, पर देखते हैं अगर कुछ खाने का दिल करेगा तो खा के फिर आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे ट्रक यहाँ रुके हुए हैं और व्यू देखो आप यहाँ का। आज अच्छी बात है कि बादल हैं तो ज़्यादा गंदी वाली तीखी वाली धूप नहीं लग रही यहाँ पर, व्यू तो अच्छा है, अच्छा खासा व्यू है। और इस पे हम रुके हैं ये रेस्टोरेंट में, ये है हमारा ट्रक जिसमें हम जाने वाले ले। सो गाइज, हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और परौंठा वगैरह खा लिया यहीं से, क्योंकि सोचा यार ले अभी बहुत दूर है, 150 किलोमीटर है, और रास्ते में पता नहीं कहीं रुकना कि नहीं रुकना। सो ब्रेकफास्ट कर लिया है, भैया अभी ट्रक के ऊपर चढ़े। हाँ जी, की करन दे ये, चलो चलो निकलिए, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो गाइस, जर्नी दोबारा स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं थोड़ा आगे जाके शायद 40-50-60 किलोमीटर के बाद एक बार छोटी सी ब्रेक होगी फिर सीधा ले चलेंगे। एंड व्यूज देखो आप साथ साथ में। सो गाइस, जो पीछे आप देख सकते हैं वो है फतुला टॉप। एंड अभी हमने फतुला टॉप क्रॉस कर लिया है, 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। और अभी तो हमने लेह भी जाना है, लद्दाख भी जाना है, ऊपर जाके न्यूब्रा वैली है वो इससे भी ऊपर है। सो देखेंगे, जाते रहेंगे आगे आगे और दिखाते रहेंगे आपको। ये है भाई लेह की तरफ जाने की सड़कें, मतलब ऊपर आते आते बड़ी गाड़ी की तो बैंड बज जाती है, बट फिर भी भैया अच्छे से चढ़ाए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, 3 दिन लग जाते
ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਆ 4 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਾਈ ਭਈਆ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀ ਸੀ ਔਰ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕੇ ਲਈ 3 4 3 3.5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਔਰ ਅਭੀ ਤੋਂ ਬਸ 5 6 ਘੰਟੇ ਮੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਹ ਕੀ ਤਰਫ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੋ ਚੱਕੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਤਰਾਈ ਵੜੀ ਹੈ ਫਿਰ और भी बहुत सारे ट्रक रुके हुए हैं ज्यादा नीचे आने की वजह से चक्के मतलब ब्रेक लगाने की वजह से गर्म हो जाते होंगे ना ब्रेक लगाने की वजह से सारे जो चक्के हैं वो गर्म हो जाते हैं टायर्स गर्म हो जाते हैं तो सारी जो ट्रक्स हैं बड़ी गाड़ियां वो यहीं पे स्टॉप लेती हैं एक बार और आधा पौना घंटा एक घंटा यहीं पर रुकेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से जहाँ से हमने ब्रेक ली थी और अभी थोड़ा स्लो स्लो जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हुए थोड़ा स्लो ही चलाना पड़ता है ब्रेक लगानी पड़ती है बार बार भैया अभी ड्राइविंग कर रहे हैं पूरी समझदारी के साथ यहाँ पे लिखा भी हुआ साइड पे कि शार्प कट अहेड मूव स्लोली तो देख सकते हैं कितना नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है सो गाइस ये बिल्डिंग्स देखिए कितनी मतलब एंशियंट टाइप में बनी हुई हैं बहुत पुराने टाइम की बनी हुई हैं ये और पता नहीं लमायरू शायद इस जगह का नाम है और बड़ी एंशियंट जगह लगी मुझे तो रुक नहीं सकते क्योंकि लिफ्ट लेके जा रहे हैं और बस दिखा सकते हैं आपको एक बार दूर दूर से देखो यार कैसा टर्न है यहाँ पे पूरा का पूरा यू टर्न है भाई ट्रक के लिए ट्रक ये टर्न लेना ना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे ही मोड़ है सारे के सारे आगे भी सो गाइस अभी 2 बज चुके हैं और यहाँ पे नीचे एक स्टेशन बना हुआ है ट्रक स्टेशन और यहाँ पे सारे ट्रक्स जो है वो रेस्ट करते हैं और चाय वाय के लिए सामने रेस्टोरेंट भी है भैया अभी चाय पीने गए हैं बाहर एंड हम अंदर आराम कर रहे हैं पूरा मज़े लेते जा रहे हैं साथ में सिद्धू मूसे वाले के गाने सुन रहे हैं भैया अभी अपनी गाड़ी पे थोड़ा सा पानी वानी मार रहे हैं यहाँ से साफ पानी पूरा झरने से ऊपर से आ रहा है एंड गाड़ी वाड़ी धो के फिर आगे चलते हैं यहाँ भी पानी वानी मार दिया और भैया की थोड़ी सी चोट लग गई है पर मैं देखता हूँ मेरे पास बैंडेज है मैं बैंडेज दे दूँगा भैया को पूछ के अगर चाहिए होगी तो से तकरीबन 35 किलोमीटर पीछे और ये है आर्मी का सारा एरिया एंड आज हम निम्बू पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में शायद 5-7 किलोमीटर बचा होगा आज निम्बू रुकना फिर अरे कोई पता नहीं कुछ नहीं पता ले अभी कुछ पता नहीं बताएंगे आपको जैसे जैसे होगा वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे अभी चलते हैं वैसे निम्बू की तरफ जा रहे हैं सो गाइस टाइम हो चुका है 5:30 और हम सुबह 9:30 बजे ट्रक में बैठे थे एंड 8 घंटे हो चुके हैं एंड हमने रास्ते में अभी थोड़ी सी ब्रेक लिया पहुंचने वाले हैं वहाँ पे जहाँ हमने ट्रक अनलोड करना है सो सोच रहा हूँ कि आज रात भैया के साथ उन्हीं के ट्रक में रुक जाऊँ और कल निकलूँ ले के लिए ले यहाँ से बचा है तकरीबन 25-30 किलोमीटर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो तो आराम से भी चले जाएँगे वैसे भी वहाँ जाके भी स्टे ढूंढना था आज का क्योंकि वैसे भी 5:30-6 बज चुके हैं सो पहुँचते 7:30-7:30 बज जाने थे अगर मैं ले भी चला जाता तो भी वो तो सुबह हम एक घंटा जल्दी शुरू कर लेंगे व्लॉग तो भी कवर हो जाएगा बाकी आप व्यू देखो बस ये है मैग्नेटिक हिल और वो सामने आप सड़क देख सकते हैं वहाँ पे जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक हिल और ऐसा कहते हैं कि और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो कार्स हैं वो अगर न्यूट्रल पे कर दो तो अपने आप ऊपर की तरफ जाती है यहाँ का ऑल्टीट्यूड है वो 11,000 फीट से ऊपर का है सो गाइस ये जो रोड है इसे बोला जाता है मैग्नेटिक हिल एंड लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे अगर गाड़ी को न्यूट्रल में कर दो आप इसी सड़क के ऊपर ये ऊपर की तरफ जा रही है आपको भी दिखाता हूँ ये देखो ये ऊपर की तरफ जाती है पर अगर इसको न्यूट्रल पे भी अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दोगे ना तो अपने आप वो ऊपर की तरफ जाने लग जाती है ठीक है जी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू मैग्नेटिक हिल एंड ये है वो हिल
एंड यहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ है। अभी हम भी ट्राई करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड काम करती है, ट्रक के ऊपर काम करती है कि नहीं करती, गाड़ियों के ऊपर तो, ट्रक के ऊपर तो नहीं करने वाली, और गाड़ी भी अभी यहाँ पे ट्राई कर रहे थे उनसे तो नहीं हुई क्योंकि शायद बाहर ज़्यादा था गाड़ी में, अगर हल्की फुल्की गाड़ी से करो तो शायद हो जाए। वो जो आप सामने निशान देख रहे हैं वहाँ से राक्षस ने पत्थर फेंका था इस गुरुद्वारे की तरफ, और यहाँ पे जो गुरु नानक देव जी थे वो बैठे थे और उनकी पीठ पे वो पत्थर छप गया था, एंड उसका निशान अभी भी यहीं पे है। अगर अंदर जाऊँगा तो दिखाऊँगा, वैसे अंदर जाने वाले हालात तो नहीं है, ना आया तो है नहीं हुआ मैं, बाकी देखते हैं अंदर जाते हैं नहीं क्योंकि लिफ्ट लेके जा रहा हूँ तो कुछ पता नहीं। सो गाइस ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, तो चलिए अभी ट्रक में चलते हैं, लिफ्ट ले लेके बस यही एक दिक्कत होती है कि कहीं भी रुक नहीं सकते अपनी मर्जी से। सो चलो अभी चलते हैं, वैसे भी बहुत शाम हो चुकी है, 6:30 हो चुके हैं, अब सीधा वहीं जाके रुकेंगे जहाँ ये ट्रक रुकेगा। सो गाइस अभी हम मटर छील रहे हैं और अभी भी ट्रक में ही हैं, सो आज रात ट्रक में ही रहने वाले हैं। सो इस वीडियो का टाइटल होने वाला है 24 आवर्स इन ट्रक, क्योंकि 24 आवर्स हमें हो जाएंगे सुबह उठते उठते यहीं पर, एंड मटर छिलते हैं फिर सब्जी वब्जी बनाएंगे भैया, एंड फिर खाना खाएंगे, देन इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सो गाइस मटर छिल गए हैं, आप खाना बनाते हैं और खा के फिर सोने की तैयारी करते हैं। सो गाइस खाना तैयार हो चुका है, खाना खा के फिर सीधा सोएंगे एंड इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक था और खाना पीना हो चुका है, अभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। सो अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।